वेलकम बैक टू माय चैनल एमके ब्लॉग्स। तो हाँ मैं सबके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार बिना मसाला की परोठा, चावल और दाल से यह बनाता है। तो ये बारिश का मौसम में खाने से बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी भी है ये बिना मसाले वाला परोठा। तो फ्रेंड्स चले देखते रहे हम कैसे बनाता हूँ। पहले हम हाफ लीटर चावल और दाल पानी में 1 आवर्स 1 घंटा भिगा के रखा था, तो हम इसको अब पहले ग्राइंड कर लूँगी। तो चलिए देखें हम किसी तरीके से इसको बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स दाल और चावल हम ग्राइंड कर ले लिया, तो हम अभी इसको साथ मिलाऊँगी कटा हुआ हरी मिर्च, कटा हुआ प्याज, तुलसी, रसुन, करी पत्ता, आप चाहे तो धनिया पत्ता भी ले सकती हो, क्योंकि हम करी पत्ता खाने से बहुत अच्छी समझती हूँ, क्योंकि गैस्ट्रिक का ज़्यादा काम करती है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं करी पत्ता मिला दिया। इसको हमने भी ग्राइंड कर लेंगी ताकि उसको साथ एक साथ मिक्सर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा मिश्रण हो गया, इस हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर दे दूंगी ताकि कलर अच्छा हो जाए, दिखने से अच्छा हो। और थोड़ा सा हरी मिर्च, लाल मिर्च, छोटी लाल मिर्च की पाउडर दे दिया। स्वाद अनुसार नमक भी दे दिया 1 चम्मच। तो हम इसको अच्छे तरीके से भून लें। हो गया हमारा परोठा का मिश्रण रेडी। तो हम यहाँ चूल्हा पे कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई हम एक टिश्यू पेपर ले लिया, इसके अंदर ऑयल दे दूंगी, ये ऑयल से यहाँ दे दूंगी हाथ की, ज्यादा ही गर्म हो गया। तो हम इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हम इसको देखिए हम इस तरीके से सारा के सारा परोठा बना लेंगी। ये ढक्कन से थोड़ा सा ढक भी दूंगी। ढक्कन से ढक भी दिया ताकि अच्छे तरीके से हो जाए। तो इस तरीके से हम सारा की सारा परोठा बना के लेंगी। तो देखते रहे हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करने भी ना भूलिए। देखिए हमारा परोठा हो रहा है, ये कितना बढ़िया सा हुआ, देखिए कितना बढ़िया सा। फ्रेंड्स हमारा ये रेसिपी बराबर हो गया, चाबी हमारा रेडी चाय। तो आज हम रखती हूँ, इसी तरीके से हम और नया नया वीडियो बना के आपके पास भेज दूँगी। तो अल्लाह हाफिज़।